आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 13 अगस्त 2022 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने लॉर्ड रामिंदर सिंह रेंजर को महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। रामिंदर सिंह रेंजर ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं। इसके साथ ही एक ब्रिटिश व्यवसायी भी हैं और अंतरराष्ट्रीय विपणन और वितरण कंपनी सनमार्क के संस्थापक हैं। वह सी एयर एंड लैंड फॉरवर्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। वहीं ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा जी ने कहा कि हमें खुशी है कि हम ऐसे सम्मान से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लॉर्ड रामिंदर सिंह रेंजर के बारे में मारवा जी ने कहा, क्या हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इन्होंने भारतीय संस्कारों को और भारतीय सभ्यता संस्कृति को लंदन में भी जीवित रखने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। रामिंदर सिंह रेंजर जी को सम्मानित करते हुए हम खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं लॉर्ड रामिंदर सिंह रेंजर ने कहा कि भारत सर्वधर्म संभाव रखने वाला देश है। इन्होंने संदीप मारवा जी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि संदीप मारवा मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से लाखों बच्चों के जीवन को तराशा है। इसके साथ ही रेंजर जी ने महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए मारवा जी का शुक्रिया किया और कहा कि महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत को न सिर्फ भारत में जाना और माना जाता है, बल्कि पूरे विश्व में वह एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिसको हर देश में एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है। उनके नाम से अवार्ड मेरे को गौरवान्वित महसूस कराता है। इसके लिए मैं मारवा जी का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। सर, आज मारवा स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये संदीप मारवा जी ने जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये स्टूडियो कितने आ गए हैं यहाँ और नोएडा की भी बहुत शान हो गई है। और इतने लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने दिमाग के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री उनकी दिमाग है, माइंड है, विजन है, इमेजिनेशन है, उनको ये चांस मिला है अपनी कला, अपनी जो उनकी आर्टिस्ट क्वालिटीज़ हैं उनको दिखाने का ये एक उन्होंने मंच यहाँ तैयार कर दिया है। और इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी फिल्में बन रही हैं दुनिया में, हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, हमारा कल्चर जा रहा है थ्रू मीडिया, क्योंकि दिस इज़ हाउ पीपल विल अंडरस्टैंड कि हम क्या करते हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी आगे का क्या मुद्दा क्या है, कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। तो यू आर शोकेसिंग, क्योंकि हिडन टैलेंट इज नो टैलेंट अनलेस यू शो टू द वर्ल्ड हमारी प्रोग्रेस क्या है, हमारा नेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सर, आपको महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में कहते हैं ना। अरे, महात्मा गांधी ना होते तो मैं पता नहीं कुली होता या क्या सेकेंड क्लास सिटीजन होता। महात्मा गांधी जी का जो योगदान है, आज एक 1.4 बिलियन पीपल इक्वल है दुनिया में, जितना भी हम इनको शुक्रगुजार करें महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग के अपनी कौम, अपने भारतवासियों के लिए इतनी स्ट्रगल की, और स्ट्रगल भी नॉन वायलेंस है, कोई खून खराबा नहीं। उनको दुख होता था कोई भी हो, चाहे अंग्रेज को भी कुछ हो या किसी हिंदुस्तान को हो, दोनों को खुद, तो नॉन वायलेंस मूवमेंट दुनिया को देने वाले आज हमारे ही लीडर हैं। और उसके बाद इन्होंने, गांधी जी ने नेल्सन मंडेला को इम्प्रेस किया, मार्टिन लूथर किया। दुनिया में जो एक ही इंसान है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों ने पोस्ट स्टैम्प निकाली है, वो महात्मा गांधी जी हैं। सर, आज़ादी के 75वां महोत्सव चल रहा है भारत में, ब्रिटिश में कैसा माहौल है? ब्रिटिश संसद से आप बिलोंग करते हैं, कैसा माहौल है, क्या आपका बताना चाहिए? आज हिंदुस्तान जो एक इनकी कॉलोनी थी, वो उनके बराबर आ गया, उनसे आगे भी जा रहा है, और वो हमसे फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, कि उनको पता है जो फ्री ट्रेड होती है कोई किसी को फेवर नहीं करता, वो अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं। उन्होंने देख लिया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी एंड इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, 1.5 बिलियन इंजन इसको खींच रहे हैं और सारी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अब पार्टनर बन गए हैं, इक्वल हो गए हैं।
तो उसके साथ हमारी कलेबोरेशन होगी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा जिसमें वो हमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, हमें वही चीज़ हम करेंगे जो हमें पसंद है, वी आर इक्वल पार्टनर एंड उससे आना जाना होगा। अभी जब से ब्रेक्सिट हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यूके में इमिग्रेशन अब खुली है, जो पढ़े लिखे इंसान हैं जिनकी वहाँ डिमांड है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे ब्रिटिश हाई कमीशन की। कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट टीचर हो, जो पढ़े लिखे हाई अचीवर हैं उनको वहाँ आसानी से इमिग्रेशन मिल सकती है। वहाँ आओ और भारत का नाम ऊँचा करो। हमने वहाँ जाके इतना काम किया है कि हम वी हैव बिकम द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। हमने वहाँ जाके कल्चरली उनको एनरिच किया, हमारे जो कमर्शियली हमने उनको एनरिच किया, अब पॉलिटिकली हम कर रहे हैं। हमारा एक भारतवासी जो जिनके माँ बाप भारतवासी थे उनका बेटा ऋषि शौनक प्राइम मिनिस्टर के लिए कंपटीशन करे, ये जो शो करता है कि हाउ फार इंडिया हैज़ कम और इंडियंस हैव कम इन सच ए शॉर्ट पीरियड। वो आए हैं, कोई हेरा फेरी से नहीं आए, कोई किसी को मार कुटाई से नहीं आए, वो अपनी वैल्यू से आए हैं, उनको कंट्रीब्यूशन किया है, मेहनत की है, देश को लॉयल्टी दिखाई है। तो सारी हमने अच्छी जो हम भारत से लेके गए थे वैल्यूज़, वो हमने वैल्यू वहाँ जाके दुनिया में यूज़ की है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी खुशी है, आज 13 अगस्त है और 15 अगस्त को सारा देश इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। हमारे 75वीं आज़ादी का एक ये महापवित्र महाउत्सव है और इसी के उपलक्ष्य में ये हमने तय किया था कि जब लॉर्ड रेमी रेंजर हिंदुस्तान आएंगे उन्हें हम उनके अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये उनका हक था क्योंकि इन्होंने खुद यूके में, यूनाइटेड किंगडम में और ख़ासतौर लंदन के अंदर एक खूबसूरत तरीके से हिंदुस्तानी भारतीय संस्कारों को, भास्करी भारतीय कल्चर को और गांधी के जो विचारधारा है उसको खूबसूरत ढंग से फैलाने की कोशिश की है। और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने ये नेशनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था और आज इस अवार्ड से हम इनको सम्मानित करते हुए खुद भी हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमेशा कोई ना कोई नए एक व्यक्ति यहाँ आते रहते हैं, तो सर इतना इम्प्रेशन आपको कहाँ से मिलता है कि हर एक नए व्यक्ति को आप सम्मान करते हैं? देखिए, ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मारवा स्टूडियो ने अब तक 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर में, और हम लोगों ने 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अब तक नोएडा फिल्म सिटी की ओर आकर्षित किया है। ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी धरती के लिए काम करूं और जितना जोश, लगन, उम्मीद, प्यार, मोहब्बत अपने देश के लिए मुझे है उससे भी ज़्यादा मैंने लॉर्ड रेमी रेंजर के अंदर देखी। जब मैं इनसे पहली दफ़ा लंदन पार्लियामेंट में मिला जहां इन्होंने मुझे अपने कर कमलों से सम्मानित किया था, ग्लोबल कल्चर मिनिस्टर का खिताब मुझे मिला था क्योंकि मैं अब तक कुल मिलाकर तकरीबन 66 मुल्कों की सरकारों को हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और तो मैंने इनके अंदर जो भाव देखे, देश के प्रति जो प्यार देखा, वो इतना प्यार मैंने कहीं और किसी भी विदेशी, क्योंकि वो तो विदेशी थे मेरे लिए, उसमें नहीं देखा था। मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने इनकी जीवनी पढ़ी, इनके कार्यों को देखा, बड़े ध्यान से इन पर रिसर्च की, पूरा एक हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रिसर्च की और तब जाकर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वाकई में ही महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड के हकदार हैं। सर, आप लगातार संस्कृति और सारी चीज़ों से जुड़े हैं, आपने आज भी भगवद गीता देकर सम्मानित किया, इसके पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले जो भी गेस्ट होते हैं विशिष्ट, उनको आप भगवद गीता देते हैं, क्या मैसेज इससे जाएगा ब्रिटिश संसद तक? देखिए, सबसे मज़े की बात यह है कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और जो आज हम हैं वो हम अपनी संस्कृति की वजह से हैं, अपनी सोच की वजह से हैं, जो हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे आज तक इन हज़ारों सालों में यहाँ तक पहुँचाई है और वो ज़िंदा रही है। सबसे बड़ी बात तो रही है, तो जो संस्कृति जिंदा रही है उसको जिंदा रखना यह आपका और मेरा दोनों का धर्म है।